तो गाइस अभी एंट्री किया हमने राजघाट के अंदर, और यहाँ से अभी राजघाट अभी देखना है और इसकी हिस्ट्री भी आपको बता देता हूँ। तो गाइस राजघाट यहाँ भारत जहाँ भारत के देश के राष्ट्रपति यानी कि महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। यह समाधि स्थल दिल्ली में स्थित यमुना नदी के किनारे बना एक आज के समय का दिल्ली का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये भी जाना जाता है, बहुत ही फेमस प्लेस है ये। यहाँ पर महात्मा गांधी को इनके हत्या के उपरांत 1948 के दौरान यहाँ भारत अंतिम सरकार संस्कार किया गया था। इनकी समाधि स्थल जहाँ पर मौजूद है उसे पूरे एरिया को वर्तमान समय में राजघाट के नाम से जाना जाता है। मरमर से बना महात्मा गांधी का समाधि स्थल देखने के लोग भारत के अन्य क्षेत्र से अलावा विदेश से भी यहाँ आया करते हैं। महात्मा गांधी के समाधि स्थल के पास प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग यहाँ आते जाते हैं। इनकी समाधि स्थल के पास हमेशा जलती हुई दीपक देखी जाती है जो आप देख सकते हैं वहाँ पे, और कई फूलों की मालाएं यहाँ देखने को आप मिल सकती है। देखिए के आसपास हरे भरे मैदान एवं छोटे छोटे लगे पौधे यहाँ की खूबसूरती बयां करते हैं, निखार ला देती है ऐसी खूबसूरती आपको जो पर्यटकों को और भी मोह देती है। महात्मा गांधी की समाधि स्थल के कुछ ही दूरी पर एक म्यूजियम भी बनाया है जहाँ आप जाके म्यूजियम की आप विजिट कर सकते हैं। गाइस तो ऐसा कुछ यहाँ का राजघाट का व्यू है, आप देख सकते हैं चारों ओर ऐसा, और पीछे इसके पीछे ही यमुना नदी का व्यू पीछे में देखने को मिल सकता है आपको। तो ऐसा कुछ व्यू है, हम ऊपर जाके भी आपको एक चक्कर लगा के ऊपर का व्यू भी दिखा देते हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराए जाने रे, वैष्णव जन तो तेने जे कहिए गाइस। ये था हमारा आज का राजघाट का ब्लॉग्स, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और नए हो तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हमारे दीपक भैया ने बोला कि अभी ऐसी टनल दिखाने वाले जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, तो देखते हैं अभी आगे वो टनल का व्यू। चलो आगे तो गाइस जो ये टनल है वो टनल का नाम है प्रगति मैदान टनल, और आपने देखा पीछे कितनी अंदर डिजाइन वॉल्स आपको देखने को मिली। हिंदुस्तान में ऐसे टनल हर जगह होना चाहिए, और हिंदुस्तान में ऐसा टनल क्या दिल्ली में देखने को मिलेगा आपको। तो गाइस हमको हमारी जो रेंटल कार थी उसने यहीं पे उतारा, और यहाँ से अभी एंटर पास है, और इस एंटर पास से इंडिया गेट का तो है, इंडिया गेट है और भारतीय युद्ध स्मारक कहा जाता है, और यह 43 मीटर ऊंचा विशाल साधन है, और यह स्वतंत्र भारत का एक राष्ट्रीय स्मारक 1931 में बनाया गया था। मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में जाने जाने व
वाले इस मार्ग का निर्माण शाही नेपाल सरकार ने द्वारा बनाया गया था और ये 10,000 भारतीय सैनिकों की स्मृति में किया गया था। जो ब्रिटिश सेना में भर्ती होकर प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्धों में शहीद हुए थे। यूनाइटेड किंगडम के कुछ सैनिक और अधिकारियों सहित 13,300 सैनिकों के नाम गेट पर उपस्थित उत्कीर्ण किए हुए लाल गेट तो इंडिया गेट है। वो तो कितना बढ़िया इंडिया गेट हमारे लिए प्रस्तुति में रखा गया है, तो कितना बढ़िया था ये इंडिया गेट। तो गाइस ये सामने आप देख सकते हैं इंडिया गेट है और आपने तो मैंने आगे आपको स्पीड बताया और यहाँ से भी आप करते हुए पथ पर जा सकते हैं। तो दो गाइस तो ये था आज का इंडिया गेट का ब्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो गाइस यहाँ पे सामने ही नया राष्ट्रपति संसद भवन है वो सामने तो हमको वीडियो में दिखाया होगा। तो दीपक भाई ने हमको उसके बाहर बात करी।